नमस्कार दोस्तों, आपके मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फिर से वीडियो लेके आया हूँ मैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के पत्रकार जो है वो पाकिस्तान के जो हाल हैं इस समय, उन हालों पे लोगों से ओपिनियन लेने जाती है, और ओपिनियन लेते लेते थोड़ी सी अपनी राह से भटक जाती है। मतलब कहने का ये कि भारत की थोड़ी सी तारीफ कर देती है, तो उसी पर बवाल हो जाता है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो पे, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो क्या कह रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल आपसे ये है, आप इंडिया का बार बार क्यों नाम ले रहे हैं? इंडिया के अलावा भी बड़ा ऑप्शन है। अच्छा, क्या ऑप्शन है हमारे पास? वो बहुत सारा ऑप्शन है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए दूसरा ऑप्शन गौर करें। इंडिया को तो खुद खाने को नहीं मिलता है उसके लोगों को। किसने कहा है आपको? मैं तो सोशल मीडिया रोज देखता हूँ, उसके लोग कोई मर रहा होता है, उनको खाने को नहीं मिल रहा, फुटबॉलों पर उनके पास वॉशरूम नहीं है इंडिया के पास। सर, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? वॉशरूम बेशक ना हो, लेकिन वो दुनिया की पांचवी बड़ी इकॉनमी बन गया है, पूरी दुनिया से वो ट्रेड कर रहा है, तीसरी बनने जा रहा है। मैडम, इंडिया के अलावा भी तो सोचना चाहिए ना। आप मुझे बताए ना, इंडिया के अलावा हम किन के बारे में सोचे? मुझे बताओ, हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन हमारे ताल्लुकात अच्छे किसके साथ हैं? ईरान से गैस लाइन क्यों नहीं ले रहे? ये भी तो अच्छा ऑप्शन है। क्यों नहीं ले रहे ना? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हाँ जी, हमारे गवर्नमेंट अपने लिए सोचते हैं, गरीब आवाम के लिए सोचता नहीं है। मेरा अपना राय है, लेकिन आप बार बार इंडिया का नाम नहीं ले जाए, इंडिया का तो खुद खाने का। आवाम की बात करें आप, बात है ईरान की नहीं है, बात है पाकिस्तान की, और इंडिया का एक सियासत एक अलग चीज़ है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। असल चीज़ ये है कि चाहे ईरान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी हो, हमारा ट्रेड जो होता है वो आवाम फ्रेंडली होना चाहिए आवाम के लिए। इंडिया के बारे में सुनते ही आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? वो तो हमारे बारे में बड़ा सोचते हैं, बड़ा गंदी सोच है उनका। आपको किसने कहा? मैं रोज सोशल मीडिया देखता हूँ, वो तो कहता है उनके टीवी न्यूज चैनलों पर बोलते हैं पाकिस्तान में तो खाने के लिए कुछ नहीं है, रोटी। तो सच कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं वो? पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, इसमें झूठ क्या? थोड़ा इसको छोटा मोटे मसले हो जाते हैं मुल्क में। ये छोटा मसला है, अवाम को यहाँ पे रोटी नहीं मिल रही, ये छोटा मसला है? रोटी अल्लाह का शुक्र है सब खा रहे, सारे लोग खा रहे, कौन भूखा है? किसी ने आपको बोला मैंने रोटी नहीं खाया? सर, आप ना कश्मीर में जाके देखें, आजाद कश्मीर में लोग रो रहे हैं, सड़कों पे आग लगा रहे। आजाद कश्मीर से हूँ, आप क्या बात कर रहे हो? मैं आप टीवी आजाद कश्मीर से हूँ, कौन कह रहा है? आजाद कश्मीर में इससे तो हालात अच्छे हैं। सर, हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा ना? बिल्कुल आएगा, लेकिन हम दोनों तरफ से ताली बजना चाहिए ना। हम सिर्फ इंडिया इंडिया कह के आप मीडिया लोगों से पूछ रहे हैं इंडिया से करो, इंडिया कोई अल्लाह थोड़ी है, अल्लाह से मदद मांगो। अल्लाह माफ करे, मैंने कब कहा है ऐसा? तो मैंने बोला ही नहीं। मदद मांगो, सब कुछ है। जो मेरे ख्याल में बात जो हो रही है वो हम साइड से हट गए हैं, बात इंडिया से तलकात की पॉलिटिकल नहीं है, ना ही वो कोई एटॉमिक है। असल मामला ये है कि आपने अवाम का सोचना है, अवाम को कहाँ से सहूलत मिलती है वो एक अलग मैटर है, वो चाहे इंडिया हो चाहे चाइना हो, कोई भी पाकिस्तान से वफादार नहीं है। मैं आज बता दूं, ना ईरान वफादार है, ना इंडिया है, ना चाइना है। हर चाइना भी अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो अपने मफाद के लिए कर रहा है आपसे, वो उसको भी रास्ता चाहिए, सिल्क रूट चाहिए आपके पास। उस्मान, आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान जो है बहुत बुरे क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त खुराक का फुकदान है, गंदम का शॉर्टेज हुआ है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारी फार्मास्यूटिकल्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, वो कह रही है हमारे पास सिर्फ 2 दिन का मेडिसिन का स्टॉक बचा है। भाई ये तो ऐसे हो रहा था जैसे इसको मारेगा या इससे गोली चला देगा, इसको AK-47 दे दो वो गोली मार देगा रिपोर्टर को। भाई इतना बुरी हाल हो गई थी, मतलब इंडिया का नाम आते ही इतना चिढ़ जाते हैं, इतनी इनकी हालत ख़राब हो जाती है, इतना जलते हैं। इससे ही आपको पता लग जाना चाहिए कि भाई आज पाकिस्तान की जो हालत है वो किस वजह से। भाई तुम इतना जलते क्यों हो? पड़ोसी थे तुम्हारे, पड़ोसी हैं हम तो। तुम्हारी ये आदत अभी से नहीं, जब से तुम आज़ाद हुए तब से ही तुम्हारी ये आदत है। बस जितना तुम जलोगे हम तो उतना ही घी डालेंगे, और हम क्या जलाए, तुम तो खुद ही जल रहे हो अपने आप में। रिपोर्टर कह रही है भाई खाने को, हकीकत की बात है भाई, जिस मुल्क में खाने की दिक्कत हो, आटे की दिक्कत हो, बिजली की दिक्कत हो, मेडिसिन की दिक्कत हो, भाई उस कंट्री का क्या हो सकता है? और उसके बाद भी भाई तू सच बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही है तेरे को, वो सच कह रही है। भाई तेरे को इतनी मिर्ची क्यों लगी? क्या कहेंगे आपको, हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो है आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल हम लोग जो है तबाही की तरफ ही जा रहे हैं, बिल्कुल एट द एंड पहुँचे हैं, लेकिन हमारे जो है हुक्मरान उनको कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो बेसिक नीड्स नहीं हमारी जो है उनकी तरफ देख रहे, तो फार्मास्यूटिकल्स की तरफ तो उनको नहीं परवाह, क्योंकि बिकॉज उनके पास इतना है कि वो बाहर से इलाज करा सकते हैं,
उनको नहीं पता इधर जो है गरीब जो है उसकी क्या हालात है, इधर हॉस्पिटल्स के हालात देखें, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, मेडिसिन का जो है वो उसके ऊपर जो है टैक्सेशन लगा लगा के कंपनीज के ऊपर इन्होंने मेडिसिन की प्राइसेस कहाँ पे पहुँचा दी हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं वो तक जो है शॉर्ट हो गई हैं, कह रहे हैं आगे इन फ्यूचर जो है हार्ट डिजीज और डायबिटिक पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं उनको भी जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करने वाली हैं, क्योंकि उनको आगे की तरफ को जाके जो है वो उनकी ड्रग्स वगैरह नहीं उनको अवेलेबल होंगी जो कि जिसके बगैर उनकी ज़िंदगी गुजारना भी नामुमकिन है। इंसुलिन एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर शुगर का पेशेंट नहीं सर्वाइव कर सकता। इसी तरह जो है अगर छोटे बच्चों की देखें मेडिसिन वगैरह, वो अगर उसको नहीं मिलेगी तो उन बच्चों को किस तरह से आप बचाएंगे? आपके पास इवन कह रहे हैं कि जो है जी आपके पास जो मतलब एक्सरेज वगैरह उनके लिए जो डिस्क वगैरह यूज़ होती हैं वो तक जो है आपके पास जो है ख़त्म हो रही हैं, और आपकी जो है अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है हर हॉस्पिटल्स के अंदर। वो बार बार कह रहे हैं कि जो है जी हमें LCs खोलें ताकि हम बाहर से जो है ये सामान इम्पोर्ट करें, ये बेसिक चीज़ है, अगर इसके बगैर जो है ना हुआ तो हम लोग जो है लोगों को इधर मरता हुआ देख रहे होंगे हॉस्पिटल के अंदर। आपको पता है उस्मान, ऑलरेडी हर साल पाकिस्तान से हज़ारों की तादाद में लोग इंडिया जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उस तरह से ऑपरेशन ही नहीं होते, उस तरह से जो है वो लोगों को ऑपरेट ही नहीं किया जाता, लोग अपने प्यारों के कई तरह के ट्रांसप्लांट करवाने के लिए हर साल इंडिया जाते हैं। मतलब अब आप देख लें कि अब आपने बताया कि हमारे हॉस्पिटल की सूरत हाल क्या हो चुकी है, तो आने वाले दिनों में क्या लगता है कि हालात किस तरफ जाएंगे? जी बिल्कुल सही आपने कहा कि जो है वो इंडिया जाते हैं पेशेंट्स वगैरह, और उसके लिए जो है वही बेचारे जा पाते हैं इंडिया जो अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, जिनके पास पैसा है सिर्फ वही जा सकता है ना। जी जी बिल्कुल, तो वो जो अमीर है वो तो जो है कर लेता किसी तरह से, जो बेचारा गरीब है वो तो यहाँ पे हॉस्पिटल में मर जाता है क्योंकि यहाँ पे इधर इलाज उन चीज़ों का है नहीं। जैसे अब मेरा ख्याल लीवर का इलाज अब जाके इधर होना शुरू हुआ है, और जिस तरह हो रहा है शुरू में सुनने में आया कि जो है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डेथ्स वगैरह हुई हैं। तो मतलब हमारा एक लैक बहुत बड़ा ये भी आता है कि एजुकेशन सिस्टम हमारे जो मतलब जो है ना उस तरह से हम लोग तैयार ही नहीं हो रहे। हम लोग कहते हैं ना कि एक फैक्ट्री के अंदर बन के जो जिस तरह प्रोडक्ट तैयार होती है, हमारे स्टूडेंट्स जो वो एक फैक्ट्री जो है जिन यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज वगैरह हैं वहाँ से जैसे उन्होंने तैयार होकर निकलना है वो वैसे तैयार होकर नहीं निकल रहे। हम लोग एक एजुकेशन सिस्टम का ऐसा फॉल्ट है कि हम लोग एक मशीनें तैयार कर रहे हैं रट्टे वाली, ठीक है। हमारी पहले बहुत सारी मेडिसिन जो थी वो इंडिया से आती थी, लेकिन ट्रेड बंद होने की वजह से एक तो मेडिसिन जब आना बंद हुई तो उनके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ माल सर आपका इंडिया से ही आ रहा था और उसकी वजह से जो है जब इन्होंने बंद किया तो वो शूट किया, लेकिन उसके पीछे मेरे हिसाब से ये भी वजह है कि आप जो हालात हुए हैं मुल्क के, ठीक है, मतलब कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा उसके ऊपर आपने एक स्टांस लिया, ठीक है, वो स्टांस के लिए आपको जो है कुछ ना कुछ तो स्टेप्स उठाने थे, तो अब उसके लिए फिर मेरा ख्याल है ये तो उनके लिए करना था, लेकिन ये है कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनको छोड़ देते, बाकी चीज़ों के बेशक रखें, जो बेसिक है जिसके बगैर आप लोग नहीं चल सकते, आपके अल्टरनेट कोई है नहीं तो फिर आपको उनसे ही मंगवाना मजबूरी है, तो उसको चलने दें लाइफ सेविंग ड्रग्स को, बट बाकी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर मैं भी ये इनके साथ एग्री करता हूँ कि उनको जो है ठीक है आपने स्टांस लिया है कि आपने उसके ऊपर पीछे नहीं हटना तो आपको इंडिया के साथ जो है उसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वो उनकी भी अपनी पॉलिसीज़ हैं, वो अपनी जो पॉलिसीज करते हैं तैयार करते हैं कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ ये करना है या इस तरह रखना है, तो वो उसके ऊपर कायम रहते हैं, उससे बैकफुट नहीं करते, उनकी पूरी कौम एक मौके इकट्ठी हुई थी उधर, तो हम लोग क्यों नहीं, व्हाई नॉट अस। ये था हमारा आज का प्रोग्राम आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।